मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आप जरा अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे ऊपर जो हादसा गुजरा है, जो गम लाहिक हुआ है, जो सदमा हुआ है, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें सबसे ज्यादा कीमती सरमाया आता फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वापस अपने पास बुला लिया है। मौत बरहक है। इस दुनिया के अंदर जो आया है वो इसीलिए आया है कि एक दिन उसको वापस चला जाना है। लेकिन बाज अफराद को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अजीम बनाया होता है, इतना इल्म अता फरमाया होता है, ऐसी मोहब्बत अता फरमाई होती है, ऐसा ताल्लुक और खुलूस अता फरमाया होता है कि उनकी जुदाई पर दिल बहुत ज्यादा हजीन और गमगीन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इस कायनात में सबसे ज्यादा महबूब शख्सियत। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे जो काम लिया इस्लाम का और दीन का, इससे पहले किसी नबी और रसूल को इतने ज्यादा फजाइल अता नहीं किए गए थे। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने पास बुलाया तो सहाबाए किराम पर बहुत ज्यादा सदमा और गम लाहिक हुआ। वाकयात और किस्से आप जानते हैं। इस वक्त मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आप दुनिया में जहां भी हो वो मेरी ये बात जरूर याद रखें कि हजरत वाले साहब ने अपनी तमाम जिंदगी वो दीन की खिदमत करने में सर्फ की थी। हर वो तरीका कि जिस तरीके से दीन की खिदमत हो सकती थी, ख्वा वो तदरीस हो, वो तालीम हो, वो खिताबत हो, वो इमामत हो, वो तुलबा की तरबियत हो, वो आवाम को वाज़ो नसीहत हो, वो निकाह हो, वो जनाजा हो, किसी चीज में हजरत वाले साहब ने कभी पीठ नहीं फेरी, कभी कोई कोताही नहीं की। और हजरत वाले साहब वो अल्लाह के एक बंदे थे, कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा जितनी भी मखलूकात हैं उनको इस मरहले से गुजरना ही गुजरना है। हम और आप जो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हमें अपने पास नहीं बुलाया है, तो ये वक्त, ये लम्हात, ये जिंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत में सर्फ करनी चाहिए। हम अगर रोए धोए, मारे पीटे, मातम करें, इससे किसी को कोई फायदा नहीं, उल्टा तकलीफ हो सकती है। अगर हम अपने असलाफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, हम चाहें कि हमारे असलाफ की अरवाह वो हमसे खुश हों और अल्लाह तबारक व तआला उनको तस्कीन अता फरमाए, तो उसके लिए हमें अल्लाह के दीन पर मजबूती के साथ कायम होना होगा। हमें
वो तालीमात जो हमारे असलाफ ने हमें सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, हमें अजबर करवाई हैं, वो हमें तामौत जब तक हम जिंदा हैं अपने दिल और जान से लगा कर रखनी होगी। हमारे मदरसे के असातिज़ाए किराम और साथियों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि एक मजलिस होनी चाहिए जिसमें खुसूसन वो उलमा जो हजरत वालिद साहब के करीब रहते थे, हजरत वालिद साहब को उनसे मोहब्बत थी, उनको बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो हमारी सरपरस्ती करें और वालिद साहब के इस लगाए हुए पौधे और इस मदरसे के लिए और इसकी तमाम मुतालकात के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम और दायम रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात अता फरमाए। इस सिलसिले में आज बहुत सारे उलमा, बहुत सारे अवलिया, बहुत सारे अहले इल्म वो तशरीफ लाए और उन्होंने सरपरस्ती की और तकरीबन सारा दिन ही मेहमानों का आना जाना लगा रहा। तो आप हजरात भी जानते हैं कि पूरे दिन की थकावट के बावजूद मैं आप हजरात से बात कर रहा हूं, तो उन तमाम हजरात का शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह जो हजरत वालिद साहब के साथी हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ शफकत की, मोहब्बत की और मेरा साथ दिया, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, लहु अल-मुल्क व लहु अल-हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، اللهم ثقل له في ميزانه واعف عن زلاته وخطياته، وارزقه وإيانا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، وصلى الله